नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ खबर पंजाब से। जहां गुरदासपुर की कस्बा धारीवाल के गांव रनिया में पुरानी रंजिश के चलते देर रात अज्ञात लोगों ने घर के बाहर 32 साल नौजवान जगदीप सिंह का किया कत्ल। मौके पर पहुंची पुलिस मृतक शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच की शुरुआत। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि कल देर रात उसका भाई घर के बाहर ठहर रहा था, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने तेज धार हथियार से हमला कर उसका कत्ल कर दिया। उन्होंने बताया कि उसके गांव के कुछ लोगों के साथ झगड़ा चल रहा था, इसलिए उन्हें लगता है कि उसी रंजिश के चलते उसके भाई का कत्ल किया गया। उसने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को जल्द पकड़ा जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी कुलवंत सिंह विक्र ने बताया कि कत्ल की सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंच गए थे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरुआत कर दी है। कत्ल करने वाले दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। थोड़े दिन पहला भी किसी नाल समझनी पिंड झगड़ा होया चलती कि जिन्ना ने भी ये काम किया वा बस वो फड़े जाने चाहिए कि पुलिस जी मतलब कि पूरी तसली नाल मतलब कि पूरे वधिया तरीके नाल मतलब कि उन्होंने मौकों से पुलिस एस एच ओ साहब रात ही आ गए थे। भाजी कोई मेरे ख्याल से 1:30 बजे की घटना वा तो वो उस वेले ही आ गए। पहला उन्होंने मुलाजम आए थे, गड्डी आई थी जी वो वाली, फिर उस बाद एस एच ओ साहब मतलब कि आप आ गए थे। वार भाजी पहला उन्होंने वो सिर च मारिया वा टप, फिर उस बाद उन्होंने आ सार अग वी इतों वो धौन जी इतों आ बिल्कुल मतलब कि इतों कट्टी हुई है। फिर उस बाद उन्होंने एक किच इतने मारी आ, एक किच वो इतने मारी, वो फिर आ किरचा नहीं मारिया दिल दिल वाले पासे मारिया ने, मतलब कि वह पूरा खत्म करना मुका ही आए, पहले ही प्लैन करके आए थे कि मुका ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ।